जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम आप लोग के लिए ऐसी वैसी गाड़ी नहीं लेकर के आए भाई, लग्जरी गाड़ी लेकर के आए, जिसको आप रोड पे लेके निकलोगे ना तो सभी लोग आपको घूर घूर के देखेंगे। और इस गाड़ी मतलब एक टाइम पे ना ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा यार क्रेज़ अपना बना के रखा था, लोगों के दिलों पर राज करता था। और इस गाड़ी का नाम है होंडा की सिविस। अगर इसका अभी का जो वेरियंट निकल रहा है ना वो लेने जाओगे ना तो आपका 50-50 लाख का पड़ जाएगा, ठीक है। तो गाड़ी काफ़ी शानदार है, कुछ इस टाइप से आपको गाड़ी का फ्रंट लुक देखने को मिल जाता है। और आपको ये गाड़ी लेना है, और बात के लिए कॉन्टैक्ट नंबर की कहाँ मिलेगी, ऑनर के कॉन्टैक्ट नंबर, तो दोस्तों ऑनर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा इसी वीडियो के अंदर, या तो आपको वीडियो के एंड में मिलेगा या फिर वीडियो के बीच में मिलेगा, तो कहीं भी आपको मिल जाएगा, वीडियो पूरा देखेगा तो ही आपको मिल पाएगा। तो सबसे पहले तो इसका आप लुक देख लीजिए। हेडलाइट्स की बात कर लीजिए तो हेडलाइट आपको इस गाड़ी का नॉर्मल हैलोजन वाला जो आता है वही आपको देखने को मिल जाता है, और आपको पार्किंग लाइट जो होता है वही आपको हेडलाइट्स में ही देखने को मिल जाता है। साथ में आपको क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर दोस्तों। बीच में होंडा की बैजिंग मिल जाएगी। MH नंबर गाड़ी है, सीधा सीधा बताऊं तो महाराष्ट्र की गाड़ी है। आपको NOC इस गाड़ी का अवेलेबल करा दिया जाएगा, सो आप कोई भी स्टेट में इस गाड़ी को आराम से ले जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि MH नंबर गाड़ी है तो UP वाले नहीं खरीद सकते या फिर DL वाले नहीं खरीद सकते हैं। और दोस्तों काफ़ी शानदार गाड़ी है। कंडीशन की बात कर ली जाए तो A1 कंडीशन है। बेशक गाड़ी 2010 मॉडल है लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त कंडीशन में अभी भी ये गाड़ी है। और ये गाड़ी वही लोग लेते हैं जिनको शौक करता है भाई एक सेडान गाड़ी, प्राइम गाड़ी, लोगों के सामने अपना स्टेटस बनाने का, वही लोग इस गाड़ी को लेना चाहेंगे। तो वैसे तो गाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त है, और आपको नीचे में फॉग लैंप इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी शानदार फॉग लैंप है, वर्किंग कंडीशन है। और इसमें प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आपको देखने को नहीं मिलता। और जैसा कि आपको पता है अभी के टाइम में ट्रेंड बन चुका है प्रोजेक्टर लगवाना हर एक गाड़ी के अंदर, तो आप इसमें प्रोजेक्टर लगवा सकते हैं, आराम से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 700-800 में लोकल वाला लगवा सकते हैं, ओरिजिनल डलवाना चाहते हैं तो ओरिजिनल भी आप इसमें डलवा सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल 3000 के आसपास आपका लग जाएगा। और वही बात के लिए जाए दोस्तों एवरेज की, तो एवरेज देखिए, एवरेज को लेकर के बहुत लोगों को डाउट होता है, क्योंकि होंडा का गाड़ी यार बदनाम एवरेज से लेकर के है, तो एवरेज यार ऑफकोर्स कम है इस गाड़ी का भी, लेकिन इसमें CNG भी आप लगवा सकते हैं और बहुत लोग लगवा के मज़े भी ले रहे इस गाड़ी का। और CNG दो तरीके से लगता है, एक तो सेकेंड हैंड, एक ब्रांड न्यू, तो उसका भी मैं अभी आपको डिटेल्स दूंगा वीडियो में। आप चाहें तो इसमें CNG सेकेंड हैंड लगवा सकते हैं, और कितना खर्चा आएगा वो भी अभी मैं आपको बता दूंगा। तो आप देख सकते हैं पीछे से गाड़ी का लुक, पीछे से गाड़ी का लुक भी काफ़ी शानदार आपको देखने को मिल जाता है। सीबीएस की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। पीछे में आपको दो इसका जो होता है साइलेंसर वो देखने को मिल जाएगा, जिससे स्पोर्ट्स कार का पूरा आपको फील देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। और पीछे का जो टेन लाइट है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि काफ़ी लंबी है गाड़ी है दोस्तों, रोड पर लेके निकलोगे ना तो मज़ा आ जाएगा आपको। और आपको होंडा की बैजिंग बीच में देखने को मिल जाती है। साथ में बूट जो होता है, बूट आप दो तरीके से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। एक तो आप बाहर से की लगा करके कर ही सकते हैं, एक आप अंदर से बूट को अनलॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्यूल का जो होता है, फ्यूल आपको लेफ्ट हैंड साइड पर इसमें देखने को मिल जाता है। वहीं बात कर लीजिए टायर की, तो दोस्तों सेकेंड हैंड गाड़ी है, और सेकेंड हैंड गाड़ी में टायर कंडीशन सबसे ज़्यादा देख करके लेना चाहिए, मतलब टायर का अच्छा लाइफ हो तभी आप लेना चाहिए। तो इसका टायर कंडीशन आपको 70-80% के आसपास देखने को मिल जाती है, मतलब सीधा सीधा बताऊँ तो 70-80% के पास टायर की इसकी लाइफ जो है ना अभी बची हुई है, तो आप आराम से इस गाड़ी को बाई कर सकते हैं। और आप अगर सेकेंड हैंड गाड़ी लेने का प्लानिंग कर रहे हैं तो 70-80% के आसपास जिसका टायर कंडीशन हो ना भाई वही देख करके लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कम का ले लेंगे तो फिर आपको सबसे पहले टायर बदलवाने का जो टेंशन होता ना वो आपके सर पे आ जाने वाला, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। और सर ब्लैक कलर का भाई ने पूरा फ्रेम करा रखा है मिरर पे, तो आप हटवा लीजिएगा अगर दिल्ली वल्ली में चलाना है, दिल्ली चंडीगढ़ में, तो क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़बरदस्त चलान होता है। और एलो सब कुछ मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था। फीचर्स की बात कर लीजिए ना, तो फीचर्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अभी का जो गाड़ी आ रहा है ना जिसमें फीचर्स सारा आता है, सारा का सारा फीचर्स दोस्तों इसमें आपको देखने को मिल जाता है। जी हाँ, उस टाइम सोचिए, उस टाइम का 2010 मॉडल का गाड़ी और फीचर्स जो अभी आ रहा है सारा फीचर्स इसमें आपको मिलता है, तो फिर क्या ही चाहिए। और कुछ इस टाइप से आपको रियर सीट देखने को मिल जाता है। कंफर्ट के बारे में तो सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होंडा गाड़ी कंफर्टेबल ही है। होंडा कंफर्ट के मामले में A1 है, नंबर 1 पे आती है, तो कंफर्ट आपको काफ़ी ज़बरदस्त इसका देखने को मिल जाता है। आर्मरेस्ट भी आपको पीछे में देखने को मिल जाएगा। और वहीं बात कर ली जाए लेगरूम हेडरूम की, तो दोस्तों सेडान गाड़ी में यही तो एक फ़ायदा होता है, आप चाहें तो नीचे जो पीछे का सीट है ना उसके नीचे आप सो करके जा सकते हैं, इतना ज़्यादा बड़ा इसका स्पेस होता है। तो अब आपको पता चली क्या होगा कि लेगरूम हेडरूम क्या देखने को मिलता है। हेडरूम को लेकर के आप लोग को थोड़ा डाउट अगर हो तो मैं आपको बता दूँ, 5.5 फीट के तो आराम से आप बैठ सकते हैं, अगर उससे थोड़ा बड़ा है तो भी आप बैठ जाएंगे, अगर 6 फीट के हों तो थोड़ा बहुत परेशानी आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा नीचे से छोटी है, ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत कम ही इस गाड़ी का है। और कुछ इस टाइप से आपको इसका रियर का देखने को मिल जाता है व्यू। सीट की बात कर ली जाए तो सीट काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिल जाता है। और कंट्रोल्स की बात कर ली जाए तो सीट में आपको सारा कंट्रोल्स देखने को मिल जाता है, और इलेक्ट्रिकल सीट आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाएगा, और सीट बेल्ट हो यार ऑफकोर्स
मैंडेटरी है तो मिलेगा ही। आर्मरेस्ट भी आपको देखने को मिल जाता है आगे पीछे दोनों में, और स्टेयरिंग काफ़ी खूबसूरत आपको उसका देखने को मिल जाता है, और डैशबोर्ड जो है ना भाई काफ़ी प्रीमियम आपको इसका डैशबोर्ड मिल जाता है। एरोप्लेन का जो डैशबोर्ड होता है ना कुछ उस टाइप सा इसका डिज़ाइन किया गया डैशबोर्ड को, तो डैशबोर्ड में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा देखने का। और एसी की बात कर ले जाए तो इसमें भी आपको हर गाड़ी की तरफ फ्रंट में 4 एसी यूनिट्स देखने को मिल जाते हैं, और पीछे में आपको नॉर्मल 2 देखने को मिलता है। वहीं गियर की बात कर ली जाए तो दोस्तों मैनुअल एक गियर वाली गाड़ी आप देख रहे हैं तो आपको इसमें मैनुअल गियर देखने को मिल जाता है, वैसे ऑटोमेटिक भी आती है तो ऑटोमेटिक लेना चाहें तो आप ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं। इसका हैंड ब्रेक काफ़ी ज़बरदस्त जगह दिया गया है तो हैंड ब्रेक काफ़ी अच्छा है इसका, हैंड ब्रेक आपको जस्ट गियर के जस्ट बगल में ही देखने को मिल जाता है। और म्यूजिक सिस्टम की बात कर ली जाए तो म्यूजिक सिस्टम भी गाड़ी के अंदर लगी हुई है जो कि आपको कंपनी फिटेड ही देखने को मिल जाता है, तो म्यूजिक सिस्टम भी काफ़ी अच्छी है। और इसमें एक नहीं एक बार में आप चाहें तो 4-4 CD डाल करके चला सकते हैं, उससे तो CD ड्राइव चलाने का ज़माना भाई चला गया तो CD तो आप डाल के नहीं चला सकते, ऐसे इसमें चाहें तो आप डिस्प्ले वाला जो आता है ना वो भी लगवा सकते हैं, आफ्टर मार्केट अब लगवा लीजिएगा। और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको 2 देखने को मिल जाता है, एक तो आपको नीचे में मतलब मीटर जो हर जगह गाड़ी का होता है वहाँ पर आपको देखने को मिलता ही है, साथ में एक आपको ऊपर में देखने को मिल जाएगा, और ऊपर वाला में दोस्तों जो आपका गाड़ी का जो स्पीड होता है ना वो आपको दिखाता है, तो वहाँ से आप गाड़ी का स्पीड भी देख सकते हो। और स्पेस के बारे में तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है भाई, स्पेस काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी के अंदर दिया गया है, स्पेस आपको भर भर के देखने को मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, तो काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी है। बात करें और भी कुछ फीचर्स की इस गाड़ी के बारे में तो होंडा सिविक्स 2010 मॉडल, और एवरेज की बात कर ली जाए तो 13.9 किलोमीटर पर लीटर का आपको एवरेज निकाल के दे देती है दोस्तों हाईवे पे, और सिटी माइलेज की बात कर ली जाए तो 8.4 किलोमीटर पर लीटर का आपको सिटी में निकाल के देती है। वही बात कर लीजिए CNG की तो दोस्तों आप इसमें चाहें तो CNG भी लगवा सकते हैं, CNG 2 तरीके से लगेगा, एक तो सेकेंड हैंड एक आपका ब्रांड न्यू। अगर आप सेकेंड हैंड CNG इसमें लगवाना चाहते हैं तो 15 से 20 हज़ार के आसपास आपका खर्चा आएगा, वहीं अगर आप इसमें ब्रांड न्यू CNG लगवाना चाहते हैं तो दोस्तों 30 से 40 हज़ार के आसपास आपका इस गाड़ी के अंदर खर्चा आने वाला है लगवाने का। तो ये रहा CNG का प्राइस जो कि मैंने बता दिया। एवरेज की बात कर लीजिए CNG पे तो CNG में एवरेज आपको आराम से सिटी में निकाल कर दे देती है 18-19, और वहीं हाईवे की बात कर लीजिए तो 23-25 आराम से निकाल कर देने वाली है, तो एवरेज ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको मिल जाता है। और फ्यूल टाइप इसमें तो पेट्रोल ही खैर है। और इंजन की बात कर लीजिए तो 1799 CC का आपको इसका इंजन देखने को मिल जाता है, और नंबर ऑफ सिलेंडर की बात कर लीजिए तो टोटल आपको 4 सिलेंडर इसमें देखने को मिलने वाला है। मैक्सिमम पावर की बात कर लीजिए तो दोस्तों 130.3 BHP का आपको 6300 RPM पर पावर इसका देखने को मिल जाता है। वहीं मैक्सिमम टॉर्क की बात करी जाए तो 171.6 Nm का आपको इसका 4300 RPM पे देखने को मिल जाता है, तो टॉर्क भी काफ़ी अच्छा है। सीट कैपेसिटी की बात करें तो 5 ही देखने को मिलता है, सिडान गाड़ी है, 5 सीटर गाड़ी है, तो आप आराम से 5 लोग इसमें बैठ सकते हैं। और दोस्तों फ्यूल टैंक की बात करी जाए तो 50 लीटर का आपको इसमें फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, तो फ्यूल टैंक काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त इसमें देखने को मिलता है, तो फ्यूल टैंक के बारे में नो डाउट यार आप आराम से फ्यूल फिल करा करके घूम सकते हो जहाँ मन वहाँ। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करी जाए तो 170 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। अदर फीचर्स की बात की जाए तो पावर स्टेयरिंग है, पावर विंडोज आपको देखने को मिल जाएगा चारों को चारों में, और एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम AC मिल जाता है, और एयर बैग्स भी आपको देखने को मिल जाता है, फॉग लैंप एलॉय सब कुछ मिल जाता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों प्राइसिंग है सबका, तो सबसे पहले किलोमीटर बता दो कितना चला है, तो गाड़ी चल चुकी है दोस्तों 80,000 किलोमीटर, जी हाँ 80,000 किलोमीटर चल चुकी है। गियरबॉक्स इसमें मैनुअल मिल जाएगा, थर्ड ऑनर गाड़ी है, आप लेने के बाद बन जाओगे इस गाड़ी के फोर्थ ऑनर। लोकेशन की बात की जाए तो नागपुर की गाड़ी है, गाड़ी का NOC अवेलेबल है, सो नंबर प्लेट और लोकेशन का तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। प्राइसिंग की बात की जाए तो गाड़ी का प्राइस है 1,60,000 रुपये जो कि नेगोशिएबल है, प्राइस फिक्स बिल्कुल नहीं है, मैक्सिमम गाड़ी आपको 1,20,000 तक भी पड़ सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर की बात कर ली जाए तो डिस्प्ले पे है नंबर, नंबर पे आप कॉल करके ऑनर से बात कर सकते हैं, गाड़ी लेना तो गाड़ी को बाय भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हम मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ।